Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I really hope you guys are doing well. So in today's video, I'm going to try out the viral Allen Toomer Air Blow Brush. But you can see my hair, this is my natural texture. They are not even straight, nor curly, nor wavy. बहुत अजीब सा texture है मेरे बालों का और काफी साल हो गए मैं बस straightener ही use कर रही हूँ मेरे बालों पे. And I wanted to try this because straightener से बहुत ज़्यादा damage हो चुके हैं मेरे बाल. And I don't want to damage them any further. And the special thing about this product is you can dry and style your hair at the same time. पहले मुझे blow dry से dry करने पड़ते थे, फिर straightener से straight करना पड़ता था. लेकिन इसके साथ मैं दोनों एक साथ कर सकती हूँ. So let's just start with the review. I haven't even opened it yet. And okay. Oh. This is how the brush looks like. It's very heavy. I'm not sure how am I supposed to use this. I'll just quickly plug this and we'll try this out. मैंने काफी सारे videos already इसके देख लिए हैं review के regarding इसे कैसे use करना है. So I'm going to section my hair. And I'm going to use a desk clip and just going to, you know, okay, secure this hair right here. वैसे मेरे बाल काफी लंबे थे, straightener में बहुत ज़्यादा time लगता था. Straightener के साथ जो दिक्कत है कि आपको बहुत छोटे छोटे sections लेने पड़ते हैं. But इसका brush जो है वो काफी बड़ा है. So I believe कि मैं बड़ा चंक भी ले सकती हूँ. Let's try the half hair of this. इतने सेक्शन पे I'm going to try. Here are three options: warm, hot, blast and off. So let's just try this out. काफी ज्यादा आवाज कर रहा है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. So I'm going to put it on hot first. Let's see what happens. Okay, what the hell is coming? How? Nothing has such happened yet. Okay, so I have gone over this area twice. बट यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक. और प्लीज डोंट बी अ डिसअपॉइंटमेंट. हाउएवर माई हेयर लुक स्ट्रेटर पहले के हिसाब से. लेट्स ट्राई दी वॉर्म सेटिंग. ओके, मे बी हॉट इज नॉट वर्किंग फॉर माई हेयर. दिस रिटेल्स फॉर 3999 का ही है एंड आई गॉट दिस फॉर 2430 rupees in Diwali sale. So I really want this to work. I don't know what I'm doing wrong. मैं थोड़े ही बाल लूंगी फिर से एक बार जितने मैं स्ट्रेटनर में लेती थी. एंड आई एम गोइंग टू गो एक्चुअली इन स्किन के ज्यादा पास लेके जाऊंगी एंड वील सी कि क्या होता है. हाउएवर माई हेयर फील्स वेरी स्मूथ राइट नाउ. ये ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट तो आ गया है बट स्टाइल नहीं हुआ अभी तक. सो लेट्स जस्ट कीप गोइंग, क्या होता है देखिए. सेटिंग विच हैव वर्क्ड फॉर मी इज ब्लास्ट. ब्लास्ट से थोड़ा बहुत स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आ रहा है. आई विल क्विकली स्टाइल रेस्ट ऑफ माई हेयर एंड आई विल गिव यू फाइनल थॉट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट. आई नो आई सेड आई विल स्टाइल माई हेयर एंड कम बैक. हाउएवर आई हैवंट स्टाइल्ड माई बैंग्स येट बिकॉज आई बिलीव दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू स्टाइल. सो वी आर गोइंग टू डू दिस टूगेदर. यू कैन सी हियर इट्स नीदर वेवी नीदर कर्टी. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माई हेयर. आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन द वॉर्म सेटिंग और हॉट सेटिंग. नॉट श्योर, आई सी वॉट वर्क्स फॉर माई हेयर. हाउ एवर आई कैन सी सो मैनी हेयर आई हैव लॉस्ट इन दिस प्रोसेस. कैन यू सी दिस? वेट, आई शो यू द कंप्लीट. ओ माई गॉड, दिस वॉज सपोज टू बी लेस डैमेजिंग. दिस मच ऑफ हेयर आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस. I feel like I have wasted my money. So let's just style our bangs first. Oh.
That's it. Oh, wow. The dent is still here, but this hair is like swooped. This side has been styled really great, but यहाँ पे कुछ तो problem हो गई है. We'll just fix it, babe. I'm just gonna do this side, which is not styled properly. Okay. Yeah, nice. And this is how my hair looks like, guys. This looks very voluminous. जितना volume मेरे बालों में है भी नहीं उतना लग रहा है. However, I have 2-3 points to discuss about it. We are going to start with pros of this product, of course. This gives a very nice volume to your hair. बहुत ज़्यादा voluminous होते हैं आपके बाल. इतने voluminous मेरे बाल तो कभी नहीं लगे अभी तक. Straightener के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगते, पूरे चपटे हो जाते हैं. And the second thing is, this is less damaging, I believe. But I have lost this much of hair in this process. And I don't know about the styling, you know, the less damaging part about this product. The third good thing about this product is, this is very easy to use. You know, 3-4 hi options hai isme, temperature control wagera ki extra cheeze nahi hai. Jaise mere sweater mein bahut sare settings hai jo main bilkul bhi use nahi karti hu. So this is how my hair looks like. Bilkul bhi straight nahi hai, but manageable hai. Bilkul bhi frizzy nahi hua hai, smooth ho gaye mere baal. And the con of this product is, this is expensive. मेरा straightener जो है Philips का 1500 का है, जिससे pitch straight बाल हो जाते हैं मेरे. And the second con of this product is, this is very very time consuming. बहुत ज़्यादा देर तक मुझे एक ही section को लेके उसको brush करना पड़ रहा है. And the third biggest con, I believe, this is very noisy. इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है. एक time के बाद मुझे migraine होने लग गया था इसकी वजह से, और मेरी बिल्लियाँ तो पहले ही इसमें भाग गई थी बाहर. Because this is very very noisy. Hot पे कम आवाज़ आती है इसकी, लेकिन warm और blast पे it's like too much to handle. बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इसकी. The fourth con is, आपको इसको बार बार clean करना पड़ेगा, because ये brush है और इसमें बहुत ज़्यादा बाल अटक जाते हैं. And this is very hard to clean, क्योंकि अगर आप normal comb से अगर कर रहे हो straight, तो उसमें से बाल निकालना बहुत easy है. But this is a brush, and इसमें से बाल निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. However, I believe this will be a good option. जो बहुत busy होते हैं, जिनको hair wash के बाद dry और style करने में time नहीं मिलता है, जिनको अपने बाल बस manageable चाहिए, less damage में, they can definitely give this a try. The one thing I absolutely love about this product is, इसको use करने के बाद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा volume आ गया है, जितना volume मेरे बालों में बिल्कुल भी नहीं है. They look much fuller, much denser, and they are very manageable right now. मतलब ये इतने सुलझे बाल हैं, अलग से स्ट्रेटन करने की जरूरत नहीं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज आर वेरी मैनेजेबल एंड स्मूथ. बट फॉर 2500 रुपीज, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. इससे अच्छा आप एक फिलिप का स्ट्रेटनर ले लो, या फिर हेयर ड्रायर ले लो, दोनों से सेम ही काम होगा, क्योंकि ड्रायर से भी मेरे बाल इतने ही स्मूथ हो जाते. And yes, that's it for today's video, guys. If you like this video, then please give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Follow me on my Instagram. Everything will be linked down below, so don't forget to check it out. And subscribe for more such content. Bye.